झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे गरीब के परिवार का सब कुछ जलकर राख हो गया है। गरीब के यहाँ अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए, पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। आग कैसे लगी इसका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। पूरा मामला थाना कुरावली के ग्राम रीचपुरा डेरा का है। यहाँ गुजरी पत्नी साबिर अपने 8 बच्चों व माँ के साथ एक झोपड़ी नुमा घर में रहे। घटना रात करीब 3 बजे की है, जब पूरा परिवार गहरी नींद सोया हुआ था, तभी अज्ञात कारणों से झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई। आग की सूचना पड़ोस में रह रही ताऊ की लड़की ने दी, तो आनन फानन में झोपड़ी के अंदर सो रहे बच्चों को बाहर निकाला। घटना की सूचना डायल 100 को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका। पीड़ित के पास अब खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। पूरा पीड़ित परिवार भुखमरी की कगार पर है। पीड़ित परिवार और जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है। जो है क्या हुआ, क्या ये पत्थर रात में सो रहे थे, ना पता है कैसे लगी कैसे नहीं लगी, हमें पता नहीं। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान बहुत हुआ है। प्रशासनिक कोई सहायता मिली क्या आपको? अभी अभी कोई सहायता नहीं मिली है। कोई आया था आग बुझाने? कौन आया था? आग बुझाने वाले गाड़ी वाले आए थे, सो चले गए थे। अब जाके फोन करा था, पुलिस आई, माना करके पुलिस ले गई है।